गुड मॉर्निंग बच्चों, हम प्रोनाउंस का उपयोग सीख रहे हैं और अब प्रोनाउन जैसे आई, माई, ही, हिज, सी, हर, दे, देयर इनका प्रयोग सीखा है और अब इसके बाद में आती है एक्सरसाइज यानी अभ्यास, कहाँ पर कौन से प्रोनाउंस का प्रयोग करें इसके बारे में हम एक्सरसाइज को हल करते हैं। आगे देखते हैं सी वाला। इट इज ए बस, इट इज ए बस, ये बस दे रखी है सामने, तो इट इज ए बस, इट इज ए बस, यह एक बस है, इट इज ए बस, यह एक बस है। तो बस के लिए इसके अंदर इट काम में लिया है, तो इससे संबंधित इट्स प्रोनाउन ही आएगा। इट इज ए बस, यह एक बस है। खालिस्तान कलर इज ग्रीन, यानी इसका रंग कैसा है, ग्रीन है, हरा है। तो इट्स 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 क्या अर्थ हो जाएगा, इसका, इट्स कलर इज ग्रीन, इसका रंग हरा है। इट्स स्पीड, स्पीड यानी गति, इज वेरी फास्ट, यानी यह बहुत तेज दौड़ती है, इसकी गति बहुत तेज है। इट्स स्पीड, इसकी गति, इज वेरी फास्ट, बहुत तेज है, इसकी गति बहुत तेज है। दोज आर पैसेंजर्स, दोज यानी वो, दोज आर पैसेंजर्स, दोज यानी वो, दोज यानी वो पैसेंजर्स यानी यात्री हैं, दोज आर पैसेंजर्स, वो यात्री हैं। दे आर इन, अब दे आया है तो इसका प्रोनाउन हो जाएगा देयर, दे आर इन देयर सीट्स, यानी वे अपनी अपनी सीटों पर है। देयर लगेज, उनका सामान, इज ऑन द बस रूफ, उनका सामान बस की छत के ऊपर है, रूफ, रूफ का अर्थ हो जाएगा छत, उनका सामान बस की छत के ऊपर है। मेज द फॉलोइंग प्रोनाउंस, मेज द फॉलोइंग प्रोनाउंस, पहले दे रखा है आई, तो आई का प्रोनाउन होता है, आई का प्रोनाउन होता है माई, फिर है यू, यू का प्रोनाउन हो जाएगा योवर, ही का प्रोनाउन हो जाएगा हिज, सी का प्रोनाउन हो जाएगा हर, इट का प्रोनाउन हो जाएगा इट्स, वी का प्रोनाउन हो जाएगा ओवर, और दे का प्रोनाउन हो जाएगा देयर। अब देखो, इधर आई का प्रोनाउन हो गया माई, यू का प्रोनाउन हो गया योवर, ही का प्रोनाउन हो गया हिज, सी का प्रोनाउन हो गया हर, इट का प्रोनाउन हो गया इट्स, वी का प्रोनाउन हो गया ओवर, और दे का प्रोनाउन हो गया देयर। कल आगे पढ़ाएंगे।